हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करेंगे जो कि हम हमारी क्लासेस 9, 10, +1, +2 ये और हायर क्लासेस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज जो हम कंसेप्ट करेंगे वो हम क्लास प्लस वन के लिए, क्लास 11 के लिए करेंगे। तो सबसे पहले कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जो होता है कि किसी भी चीज़ की कितने आउटकम्स हैं या उसके कितने चांसेस हैं। जैसे आज बादल हैं, बारिश होगी या नहीं होगी, ये हमारे लिए पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमने कॉइन फेंका है तो क्या उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। तो जितनी भी किसी चीज की पॉसिबिलिटीज होती हैं वो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी का काम करती हैं। तो चलिए कुछ कंसेप्ट सबसे पहले हम सीखते हैं, समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जब भी कभी कोई प्रोबेबिलिटी आती है, हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है। हमारी प्रोबेबिलिटी जिस भी चीज की निकालनी है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला हमारे पास ऊपर लिखा जाता है न्यूमिनेटर में, फेवरेबल आउटकम्स जो हमें निकालनी है, फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड किसके साथ होता है, डिवाइड हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारे लिए जो मेन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है जो हमने हर अपने क्वेश्चन में लगाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो यहां पे मैंने इक्वल टू भी दोनों तरफ लगा रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है लेकिन 0 से छोटी नहीं होगी, मींस नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगी। सिमिलरली हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होगी तो उस आउटकम्स को, उन केसेस को हम क्या बोलते हैं। जब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो इसका मतलब ये हमारे लिए इम्पॉसिबल इवेंट्स है। इम्पॉसिबल इवेंट्स, इवेंट्स मींस जो हमने रिजल्ट निकालने हैं वो इम्पॉसिबल है। जैसे हमने एक डाइस ली और डाइस को फेंका, जब हमने उस डाइस को फेंका तो हमने बोला कि उस डाइस पे 7 आ गया है। तो स्टूडेंट्स क्या 7 पॉसिबल है डाइस पे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ जाएगी, जिसको हम इस इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है, हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, तो इस केस में हम बोलते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट्स के लिए है। श्योर इवेंट्स, जैसे हम बोल देते हैं कि जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये हमारे लिए श्योर है तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो इस तरह की हमें आउटकम्स का पता होना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम कई बार कोई चीज फेंकते हैं उसकी कुछ सक्सेस होती हैं, कुछ उसकी फेलियर्स होती हैं। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो उस कॉइन के ऊपर जो रिजल्ट आएगा फेंकने के बाद, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हमने अपनी हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमारे लिए वो टोटल 1 आएगी, 100% आएगी। क्यों आएगी, अगर हमने ए को लेट किया है कि वो हेड है, इसका मतलब ए डैश उसका ऑपोजिट हो गया, हेड का ऑपोजिट टेल हो गया, वो उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो ए डैश है ये डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब कि ए जो हमने लिया था उसका कॉम्प्लीमेंट उसका ऑपोजिट है। कई बार हम इसको ए सी से भी डिनोट कर देते हैं, ए की पावर में ऐसे सी लिख देते हैं, ये भी हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट का ही सिंबल है। तो कई बार हम इस तरह से भी लिख देते हैं, ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट का ही सिंबल है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। मान लो कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है, वो पेपर देके जब आता है तो उसको लगता है कि वो पास भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। अगर उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 80% है तो फेल होने की कितनी होगी, 100 में से माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 100 ही है।
तो फेल होने की, अगर पास होने की 80 है तो फेल होने की 20% होगी, तो अगर हमारे दो रिजल्ट्स ही हैं तो इस तरह से ये हमारे लिए एक फॉर्मूला और बन गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं कॉइन्स के बारे में कुछ डिस्कस, उसके बाद हम डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम कार्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं कॉइन्स में क्या क्या आउटकम्स आती हैं। एक कॉइन फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं, दो कॉइन फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं। तो मैं आपके लिए पहले केस कॉइन्स का लेके चल रहा हूं। कॉइन्स हमने लिख दिया इधर, आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है टोटल आउटकम्स के लिए क्या हो सकता है। टोटल आउटकम्स के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल आउटकम्स के लिए कॉइन्स का ये हमारे लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। 2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कॉइन फेंकोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और n हमारे लिए क्या है, n हमारे लिए नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हमने मान लो एक कॉइन टॉस किया है, एक कॉइन, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी। ये जो हमारी टोटल आउटकम्स होती हैं, इसको हम कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो वो हमारे लिए हमारी सैंपल स्पेस बन जाती है, जिसको हम सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं। तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स अपनी सैंपल स्पेस को। तो जैसे मैंने बोला है कि हमारे पास एक कॉइन है, तो आउटकम्स क्या क्या आएंगी, या तो आपका हेड आएगा, ठीक है जी, या आपका फिर टेल आएगा। ये एक कॉइन के लिए हमारी टोटल आउटकम्स हो गई हैं, दो ही होंगी, क्योंकि यहां पे अगर एक पुट करोगे 2 की पावर 1 तो हमारे पास दो आउटकम्स आएंगी। सिमिलरली अगर हमारे पास दो कॉइन्स हैं तो हमारी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, तो हमारी सैंपल स्पेस क्या बनेगी देखते हैं। अभी हम उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं सैंपल स्पेस के लिए। क्या इधर हमने पुट किया 2, n की जगह 2 किया, तो हम जानते हैं स्टूडेंट 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4 आउटकम्स आएंगी। कैसे, जब हमने कॉइन फेंके जमीन पर गिरे, दोनों के ऊपर हेड आ गया H, इसी तरह से अगर पहले के ऊपर हेड आ गया है तो दूसरे के ऊपर टेल आ सकता है, इसी तरह से अगर पहले के ऊपर टेल आ रहा है तो दूसरे के ऊपर हेड आ सकता है, या दोनों के ऊपर टेल आ सकता है। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार फेंके या 2 कॉइन्स को 1 बार फेंके, तो हमारी टोटल आउटकम यही 4 रहेंगी। इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने 3 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस। अब 3 कॉइन के लिए भी चेक करते हैं कि क्या क्या आउटकम्स हमारी बन सकती हैं। तो जैसे हमने 3 कॉइन्स लिए तो आउटकम्स कितनी आएंगी, उस फॉर्मूले में फिर हम जाते हैं दोबारा से, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, तो टोटल आउटकम्स 8 आएंगी। कैसे, सैंपल स्पेस लिखते हैं हम, तीनों हेड आ जाएंगे, हेड 3 कॉइन फेंके, तीनों पे हेड आ गया, या हेड टेल, हमारा लास्ट में टेल आ गया। हमने इसको कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, हम एक एक शिफ्ट करते जाते हैं टेल को, टेल एक ही रखेंगे और इसको आगे आगे शिफ्ट करते जाएंगे। किस तरह से, ये देखिए हेड टेल हेड, ताकि आपको याद रखना भी इजी हो जाए। टेल यहां पे पहुंच गया, अब अगली बार टेल हम फर्स्ट पोजिशन पे ले जाते हैं, टेल हेड 4 केस बन गए। इसके बाद आप क्या लिखोगे, एक टेल का यहां से लास्ट से चला था, फर्स्ट पे पहुंच गया, खत्म हो गया। अब हम 2 टेल ले लेते हैं, पहले एक टेल ली, अब 2 टेल, अब हम हेड को आगे आगे चलाते हैं, टेल हेड टेल, फिर लास्ट में पहुंच जाएगा हेड टेल टेल हेड, और फिर लास्ट में तीनों ही टेल आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास 8 केसेस बन जाएंगे जब 3 कॉइन्स होंगे। ओके, आप समझ आ रही है आपको। अब हम 4 कॉइन्स के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि जब हम ये करते हैं +1 में, खासकर हमारे पास क्लास 11 के लिए 4 कॉइन्स की पॉसिबिलिटी तक तो हमें पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अब हमने 4 कॉइन्स लिए हैं, उसके लिए क्या क्या आउटकम्स बनेंगी, उसके लिए हमारे पास 2 की पावर 4, तो टोटल आउटकम्स 16 बनेंगी। टोटल आउटकम्स कितनी बनेंगी 4 कॉइन्स के लिए, 2 की पावर 4 दैट इज 16 बनेंगी। चलिए बनाते हैं कैसे बनेगी इसकी सैंपल स्पेस। हम लेते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम 8 बार हेड लिख लेते हैं अपना याद करने का शॉर्टकट वे। वैसे आपको मुश्किल होगी, 6 बार लिख दिया हमने, 7 और 8। अब हम 8 बार टेल भी लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
छह हो गए हमारे लिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गए, 8 बार 13 लिखेंगे, दो दो चार दो छह सात और आठ, 8 बार लिख दिया। इसी तरह से हम 8 बार H और 8 बार 13 लिखने के बाद अब हम 4 बार H लिखेंगे, ये 4 बार H, 4 बार 10, दो तीन और चार, फिर 4 बार H और 4 बार 13, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, 2 बार H एंड 2 बार 10, 2 बार H एंड 2 बार 10, 2 बार H, 2 बार 10, 2 बार H और 2 बार 10 लिखेंगे। लास्ट में हम 1 बार H 1 बार 10 लिखेंगे, 1 बार H 1 बार 10, H T H T H T H T H T H T। तो ये हमारे लिए 16 आउटकम्स होगी जो कि हमने बहुत ही शॉर्टकट वे से याद कर लेनी है। क्या किया, 4 बार 8 बार H 8 बार 10 पहले एक ही लाइन में, फिर दूसरी लाइन में 4H 4T 4H 4T, और तीसरी लाइन में 2H 2T 2H 2T, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा लास्ट तक, और लास्ट लाइन में हम 1H 1T 1H 1T इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हमने इस तरह से याद रख लेने हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना डाइस के लिए, ठीक है, ये तो हमने कर लिया है, अब हम डाइस के लिए करते हैं। डाइस के लिए भी देखेंगे कि टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं जब हम डाइस फेंकते हैं, तो क्या आएंगी। अब हम डाइस के लिए कर रहे हैं, तो जब हमारे पास 1 डाई है, 1 है तो डाई बोल देते हैं हम, 1 डाई है, तो आपको पता है कि डाइस में 6 की आउटकम्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर एन यहां पे क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ डाइसेस के लिए, अगर 1 डाइस है तो 6 की पावर 1 6 केस बनेंगे। इसकी सैंपल स्पेस में क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 केसेस बन गए स्टूडेंट। ये जो हमने 6 आउटकम्स लिखी हैं, अकेले अकेले को आप सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, तो आप बताओगे इसमें 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। इसी तरह से अगर हमने 2 डाइस ली हैं तो कितने केस बनेंगे, यहां पे अगर फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 6 की पावर 2 36 केस बनेंगे। तो वो 36 केस क्या बनेंगे, चलिए बनाते हैं हम सैंपल स्पेस। हम कैसे बनाएंगे कि हम पहले वाले जो हमारे पास आउटकम है वो फिक्स कर लेते हैं, और जो सेकंड डाइस वाला है वो हम चेंज करते जा रहे हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये पहली लाइन कंप्लीट कर ली, अब हम सेकंड लाइन लेके चलते हैं, 2 को फिक्स कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 की लाइन कंप्लीट हो गई। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे 4 की लाइन के लिए करेंगे, फिर हम इधर 5 की लाइन में करेंगे इसी तरह से, और लास्ट हम 6 की लाइन में करेंगे। तो क्या बनेगा, इधर 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 की लाइन में लिखा था हमने, 5 1 लिख लिया, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 के लिए लिखा था हमने 6 1, तो अगला 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे पास टोटल 36 केसेस बनेंगे स्टूडेंट्स। अब आपको कई बार पीछे बीच में से पूछा जाता है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ डबलेट्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डबलेट्स निकालने के लिए यहां पे अपने जो सेम नंबर वाले होते हैं उनको काउंट कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास, मैं आपको इधर ही दिखा देता हूं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, इनको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो ये जो नंबर आए हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं डबलेट्स। क्या बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है डबलेट्स, कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो इस तरह से हम अपने डाइस के केसेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना इसी में टॉपिक, कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स के लिए क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, हमें पता होता है कि टोटल कार्ड्स कितने हैं, उसमें कितने हमारे जो है वो फेस कार्ड है जिनके ऊपर फोटो बनी हुई है, और कितने उसके बिना है। तो देखते हैं कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं,
कि हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं। टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं स्टूडेंट्स। तो 52 के बीच में से आधे जो होते हैं वो रेड होते हैं, आधे जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो रेड में 26 और ब्लैक में भी 26। फिर रेड कौन कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास हार्ट होता है, इसके 13 कार्ड्स होते हैं इस तरह की शेप का। 13 हमारे पास डायमंड के होते हैं, ठीक है जी, वो इस तरह की शेप का। इसी तरह से ब्लैक में भी दो तरह के आ जाएंगे। 13 हमारे पास आ जाएगा स्पेड, वो इस तरह का, इसको स्पेड बोलते हैं। और 13 ही हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लब के आ जाएंगे, क्लब ऐसे पेड़ जैसा, ठीक है, इसको क्लब बोला जाता है। तो ये भी 13 हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान दोगे कि हमारे पास हार्ट आ गया एक, एक हमारे पास टाइप आ गई डायमंड की, और एक हमारे पास टाइप आ गई स्पेड की, और एक हमारे पास टाइप आ गई क्लब की। इन चारों को हम बोलते हैं सूट्स। तो इसका मतलब 4 सूट्स हो गए। अगर हम मैथ्स में चलें तो हमारी काउंटिंग जो है हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इसी तरह से कार्ड्स में जो हमारी काउंटिंग है वो हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए से। तो हमारे पास ए हमारे लिए होता है एस, क्योंकि ये हर एक कार्ड हर एक में होता है, मतलब एस जो है वो हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा, स्पेड में भी होगा और क्लब में भी हो जाएगा। तो ये 4 एस हो जाएंगे। इसी तरह से 1 के बाद 2 आता है, तो यहां पे भी 2 आएगा, हर एक में एक एक 2 आएगा, तो 4 2 आ जाएंगे। फिर 4 3 आ जाएंगे, इसी तरह से 4 जो है वो 4 आ जाएंगे, जो 4 है वो 5 भी आएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 एंड 10। जब 10 तक आ जाएंगे उसके बाद हम 11 नहीं लिखते हैं, उसके बाद हम जे लिखते हैं, जिसको हम जैक बोलते हैं। ये भी 4 आएंगे क्योंकि मैंने बोला है सभी में होते हैं ये, तो ये 4 जैक हो गए। इसके बाद 4 क्वीन हो जाएंगी, वो भी सभी में एक एक होंगी, 4 क्वीन और 4 ही किंग हो जाएंगे, 13 नंबर कार्ड जो है। बस यहीं तक हमारे टोटल होते हैं। तो अगर हम इन सभी को ऐड कर दें, इधर वालों को, एस जैक क्वीन एंड किंग, तो ये 16 हो जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑनर कार्ड्स, ठीक है जी। अगर हम एसेस को छोड़ दें और अगले 4 कार्ड ले लें, ये वाले 4 छोड़ के 4 4 8 और 4 12, तो ये हमारे लिए आ जाते हैं फेस कार्ड्स। 12 हमारे लिए फेस कार्ड्स होते हैं। अब हमने 12 फेस कार्ड्स कर लिए और अगर उसमें 4 एसेस ऐड कर देते हैं तो वो हमारे लिए ऑनर कार्ड्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह से हमने अपने कार्ड्स को डिस्कस कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में कुछ भी फिक्स नहीं है, हर एक के चांसेस होते हैं कि कितने हैं कितने नहीं है, कितनी पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज की। तो पॉसिबिलिटी का ही मतलब हमारे लिए प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको हम रेंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। तो रेंडम एक्सपेरिमेंट हमारे लिए वो होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल मतलब पहले से हमें ये तो पता होता है कि क्या हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो आए होगा या नहीं होगा। जैसे हमने एक क्वाइन फेंका, हमें पता है कि उसका रिजल्ट या तो हेड आएगा या उसका टेल आएगा, लेकिन पहले हेड आएगा कि टेल आएगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास रेंडम एक्सपेरिमेंट के लिए 2 कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं लिखते हैं, कंडीशंस फॉर रेंडम एक्सपेरिमेंट, कंडीशंस फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके पास एक से ज्यादा आउटकम्स होनी चाहिए, ठीक है जी, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। जैसे मैंने बोला है हमने कॉइन फेंका है, तो कॉइन के ऊपर 2 आउटकम्स आ सकती हैं, या हेड या टेल, पॉसिबल है दोनों ही आ सकती है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे पास ये है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में कि क्या आएगा। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इन एडवांस, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इन एडवांस। तो ये हमारी 2 कंडीशंस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए होती हैं। तो अब हम अपने क्लास प्लस 1 के लिए एनसीईआरटी चैप्टर 16 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट वो क्या है,
वो हम देख लेते हैं हमारे लिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और फिर मैं उसकी आउटकम जो भी है वो आपको लिख के देता हूँ। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि टू कॉइन्स, एक कॉइन जो है 1 रुपी है और एक 2 रुपी कॉइन है, उसको हमने टॉस किया एक बार, तो हमने उसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास एक 2 रुपी कॉइन है, एक 1 रुपी कॉइन है, 2 कॉइन हो गए, उसकी हमने सैंपल स्पेस लिखनी है। तो सैंपल स्पेस चाहे आपके अलग अलग कॉइन्स हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन है, कि 1 रुपी वाला है, एक 5 रुपी वाला है, चाहे एक 2 रुपी वाला है, कोई भी कॉइन हो, लेकिन उसकी आउटकम तो वही रहेंगी। जैसे मैंने 2 कॉइन की आपको पहले लिखा दी है कि 4 केसेस बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, मैंने बताया था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, इस तरह से इसकी 4 आउटकम्स आएंगी। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 में हमें बोला गया है फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई। तो फिर हमने 2 डाइस को रोल किया है, फिर हमें कलर इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, वो तब होता है कि जब हमें कोई कंडीशन दी जाए कि पहले आपने ये वाली डाइस फेंकनी है ये वाले कलर की और बाद में ये वाली फेंकनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे पास 2 डाइस हैं, चाहे डिफरेंट कलर्स की हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी तो वही आएगी, जैसे मैंने अभी लिखी थी इधर 36 केसेस वाली, तो वो हमारे पास टोटल आउटकम्स बनेंगी। अब हम लेके चलते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है, हमें बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। पहले पार्ट में बोला गया है अ बॉय हैज अ 1 रुपी कॉइन, अ 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट। तो उसकी पॉकेट में कौन कौन से कॉइन है, ये हम एक पॉकेट बना लेते हैं। इसकी पॉकेट में 1 रुपी कॉइन भी है और उसकी पॉकेट में 2 रुपी कॉइन भी है, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, ये हमारे पास डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो इनके हम क्या करते हैं, पहले नाम रख लेते हैं। 1 रुपी कॉइन को हम एक्स ले लेते हैं, 2 रुपी को वाई ले लेते हैं और 5 रुपी को जेड लेट कर लेते हैं। आगे हमें बोला गया है कि अगर हमने एक कॉइन के बाद दूसरा कॉइन निकालना है या हमने 2 कॉइन इकट्ठे निकालने हैं तो उसकी क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं। तो जब हम 2 कॉइन इकट्ठे निकालेंगे क्या सैंपल स्पेस बनेगी, देखिए, या तो 1 के साथ कौन सा कॉइन आ सकता है, 2 रुपी वाला आ सकता है, ये आउटकम बनेगी। एक हमारे पास 1 के साथ 5 रुपी कॉइन भी आ सकता है, तो हमने z ले लिया x के साथ। सिमिलरली हमारे पास 2 रुपी के साथ 1 रुपी कॉइन भी आ सकता है, 2 के साथ 1 या 1 के साथ 2, क्या ये हमारी आउटकम सेम है, नहीं, हमारी डिफरेंट है, क्योंकि पहली बार अगर हमने 1 का निकाला है तो ये y बाद में लिखा है जो हमारा 2 रुपी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 रुपी का आ जाए मींस y और फिर बाद में 1 रुपी का निकले तो x। इसी तरह से अगर हमने 2 का 5 के साथ भी निकाल लेना है मींस y एंड z, सिमिलरली z एंड y भी आ सकता है, और कौन सी आउटकम आ सकती है कि z वाला 1 रुपी के साथ भी आ सकता है मींस x के साथ भी आ सकता है zx। देखिए एक बार हमने क्या किया, 1 को हमने 2 के साथ लिख दिया, 1 को हमने 5 के साथ लिख दिया, सिमिलरली हमने 2 को 5 के साथ लिख दिया, तो 2 को 5 के साथ लिखा है, 2 को 1 के साथ भी लिख सकते हैं मींस yx, वो हमने ये लिखा हुआ है 2 को 1 के साथ एंड 2 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ मींस yz। इसी तरह से 5 वाले को 1 रुपी कॉइन के साथ मींस zx ये लिखा हमने, और 5 वाले को 2 वाले के साथ 5 एंड 2 दैट इज zy, ये हमारी टोटल आउटकम्स बन जाएंगी स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। वो क्या है वो देख लेते हैं अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, और मैं आपको इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूं। एग्जाम्पल 4 में हमें बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज अ हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट। हमारे पास एक बैग है, उस बैग में क्या दिया हुआ है, उस बैग में हमारे पास 3 ब्लू दी हुई है और हमारे पास 4 वाइट बॉल्स दी हुई है। तो हमें क्या करना है, ये बॉल्स कब निकालनी है, उसने बोला है कि ये बॉल आपने तब निकालनी है इफ इट शोज अ हेड, अगर हेड आएगा तो बॉल निकालो। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, हेड आने पे बॉल निकालनी है, तो हेड बॉल क्योंकि डिफरेंट है, 3 ब्लू है और 4 वाइट है, तो हम ब्लू को डिनोट कर रहे थे B1, B2, B3 3 बॉल्स, व्हाइट को लेट कर लेंगे W1, W2, W3 एंड W4। तो पहले हम ये लिख लेते हैं HB1, HB2, HB3 3 बॉल थी, अब व्हाइट की बारी है HW1, HW2, HW3 एंड HW4। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
इसके बाद वो कह रहा है कि अगर हमारे पास टेल आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, वो कह रहा है इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई, फिर हम डाइस फेंक देंगे। अगर टेल आता है तो डाइस पे क्या आता है, वन, टेल के साथ टू, टेल के साथ थ्री, टेल के साथ फोर, टेल के साथ फाइव और टेल के साथ सिक्स, तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स बन जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम अपनी एग्जाम्पल नंबर फाइव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फाइव में क्या है, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फाइव भी अपनी और उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फाइव, मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है इसमें, अपनी एनसीईआरटी जो है क्लास 11 की अपने पास रखा करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस रिपीटेडली, हमने तब तक कॉइन फेंकते जाना है जब तक हेड ना आ जाए, तब तक फेंकते जाना है, तो हमने उसकी सैंपल स्पेस बनानी है। तो आपको पता है उसने बोला है कि तब तक कॉइन फेंकते जाओ जब तक हेड ना आ जाए, तो हो सकता है कि हमारा जो हेड है वो पहली बार में ही आ जाए तो हमारी गेम जो है वो खत्म हो गई, इसके आगे तो चलेंगे ही नहीं। उसने बोला है कि हेड आने पे गेम बंद हो जाएगी, अगर पहली बार में ही हेड आ गया तो काम खत्म हो गया। अगर पहली बार में हेड नहीं आया तो क्या आया होगा, टेल आया होगा, तभी तो हमने गेम नहीं बंद की। अब फिर दोबारा फेंकेंगे, अगर मान लें फिर हेड आ गया तो गेम फिर बंद हो जाएगी हमारी, फिर आगे नहीं चलेंगे हम। लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुआ, अगर पहली बार में फेंका तो हेड नहीं आया टेल आया, दूसरी बार में फेंका फिर हेड नहीं आया फिर टेल आ गया, लेकिन अब तीसरी बार में हेड आ गया फिर गेम बंद हो जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा जो हमने एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 16.1, चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, हमें बोला गया एक कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। तीन कॉइन वाली सैंपल स्पेस मैंने अभी बोर्ड पे आपको लिख के दी थी कि हमने उसकी एट आउटकम्स बनाई थी ना हमने एट आउटकम्स, जैसे हमने क्या लिखा था उसकी एट आउटकम्स में सैंपल स्पेस में, एक बार लिख के दिखा देता हूं। हेड 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 टेल, तो मैंने बोला था टेल को आगे शिफ्ट करते जाएंगे, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर हमारा टेल खत्म हो गया फर्स्ट तक आ गया लास्ट से, अब दो टेल ले लेंगे, हेड टेल टेल, अब हेड को आगे आगे शिफ्ट करेंगे टेल हेड टेल, फिर लास्ट में पहुंच जाएगा टेल टेल हेड, एंड लास्ट में तीनों टेल हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए तीन कॉइन्स की सैंपल स्पेस है। अब इसके बाद उसने बोला है क्वेश्चन नंबर टू में कि हमने डाइस फेंका दो बार, तो मैंने 36 के केसेस कराए हैं आपको, तो वही हमने 36 के केसेस इस क्वेश्चन में नोट कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है एक कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स, तो फोर टाइम्स वाला भी मैंने आपको करवाया अभी, उसमें हमने 16 आउटकम्स निकाली थी जिसमें मैंने बोला था कि 8 बार एच और 8 बार टी लिखना पहली लाइन में, वो वाली है हमारी सैंपल स्पेस, तो वो हम यहां पे आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना फोर्थ करेंगे और उसकी स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला गया देखते हैं अभी हम उसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें बोला गया है कि आपको एक कॉइन टॉस किया है और साथ में एक डाई थ्रो किया गया, कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो अगर हम कॉइन फेंकते हैं तो कॉइन पे क्या क्या आता है आपको पता है, या तो कॉइन में हेड आएगा सैंपल स्पेस के लिए, अगर हेड आ गई तो साथ में उसने बोला है कि डाइस भी आपने फेंकनी है, तो फिर आउटकम्स क्या आएंगी, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। कॉइन अगर फेंका तो अगर तो हम उसके साथ जोड़ते हैं उसको डाइस के साथ, फिर हमारी आउटकम्स आ जाएंगी एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स। सिमिलरली उसने बोला है कि हमने अगर कॉइन फेंका तो डाइस भी फेंका है, तो टेल के साथ भी आ सकता है टेल वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाइव एंड टेल सिक्स, तो ये हमारे लिए आउटकम्स आ सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। अगर हेड आता है तो आपने डाइस को रोल करना है, अगर हेड आता है तो आउटकम क्या बनेगी, हेड आता है तो हमने डाइस रोल करना है एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स, डाइस हो गया हेड के साथ। लेकिन अगर टेल आता है तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हमने करनी, तो वहां पे हमने टेल लिख के छोड़ देना है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारी आउटकम्स बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं,
टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर इन रूम नंबर एक्स. तो हमारे पास एक रूम है जिसका नाम एक्स है, उसमें हमें बोला गया है कि दो आपके पास बॉयज हैं एंड दो गर्ल्स हैं, टू बॉयज एंड टू गर्ल्स. इसी तरह से आपके पास एक रूम नंबर वाई है, उसमें वन बॉय एंड थ्री गर्ल्स हैं, वन बॉय एंड थ्री गर्ल्स. तो आगे क्या बोला गया है, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन. हमने ये भी बताना है कि जो पर्सन हमने सिलेक्ट किया वो किस रूम से किया हुआ है. तो हमने रूम के साथ उस पर्सन को भी इंक्लूड करना है. तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगी हमारे लिए, हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी कि हमने रूम लिया है, साथ में उस मेंबर को लेना है, उस पर्सन को लेना है, तो बी वन आ जाएगा. इसी तरह से फिर रूम एक्स दूसरा बॉय आ जाएगा, बी टू, बी टू बॉय आ गया. अब हमारे पास जब हम उसी रूम को लेंगे उसमें गर्ल वन आ जाएगी, फिर उसी तरह से उसी रूम एक्स को लेके गर्ल टू आ जाएगी. अब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, जब दूसरे रूम में हमने गर्ल्स को और बॉयज को नंबर दे दिए हुए हैं, अब जब अगला बॉय लेंगे बी टू तक तो आ चुका हुआ है, तो वाई रूम में बी थ्री बॉय आ गया. और इसी तरह से वाई रूम में अब गर्ल टू तक आ चुका हुआ है, तो गर्ल थ्री आ जाएगा, गर्ल फोर आ जाएगा एंड गर्ल फाइव आ जाएगा. ये हमारे लिए टोटल आउटकम्स आ चुकी हुई हैं जो हमने कर ली हैं. इसी तरह से अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है हमारे लिए. मैं आपको स्टेटमेंट साथ साथ पढ़ देता हूं. वन डाई इज ऑफ रेड कलर, हमारे पास एक डाई जो है वो रेड कलर की है. और आगे क्या बोला है, वन डाई इज ऑफ रेड एंड वन ऑफ व्हाइट एंड वन ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग. वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड इट्स कलर एंड द नंबर ऑफ इट्स आउटर मोस्ट फेसेस इज नोटेड टू डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस. तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तीन डाइज हैं, रेड कलर की, व्हाइट कलर की एंड ब्लू कलर की. तो हमने उसको जब रोल किया है तो उसके अपर मोस्ट फेस पे क्या आया ये हमने बताना है. तो अपर मोस्ट फेस पे डाइस पे कुछ भी आ सकता है, वन से सिक्स के बीच में. तो सिर्फ हमने अपना क्या करना है, उसका कलर जो है कलर के अकॉर्डिंगली आपने आउटकम्स बतानी है. जैसे आपके पास इस क्वेश्चन में क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं, कि जब हमने रेड लिखा है तो रेड के साथ वन आ सकता है, रेड के साथ टू, रेड थ्री, रेड फोर, रेड फाइव, रेड सिक्स, क्योंकि डाइस के ऊपर सिक्स तक नंबर होते हैं. आर हमारा रेड को डिनोट कर रहा है. इसके बाद हमारे पास व्हाइट कलर और ब्लू कलर है, उनके साथ भी सेम आ जाएगा, व्हाइट वन, व्हाइट टू, व्हाइट थ्री, व्हाइट फोर, व्हाइट फाइव, व्हाइट सिक्स, फिर ब्लू वन, ब्लू टू, ब्लू थ्री, ब्लू फोर, ब्लू फाइव एंड ब्लू सिक्स. तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स उनके साथ जोड़ दिए हैं. अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एट क्वेश्चन. एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विथ टू चिल्ड्रन. दो बच्चों की फैमिली है, तो दो बच्चे फैमिली में किस तरह से हो सकते हैं, या तो दोनों बॉयज होंगे या दोनों गर्ल्स होंगी, या ऑर्डर ऑफ बर्थ में देखें पहले बॉय हुआ बाद में गर्ल हुई, या पहले गर्ल हुई बाद में बॉय हुआ. तो इसका मतलब चार आउटकम्स बनेंगी. ठीक है जी, चार आउटकम्स किस तरह से बनेंगी, जिस तरह से मैंने बोला है. पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास एक लड़का आया, फिर एक और लड़का हो गया उस फैमिली में, क्योंकि दो चिल्ड्रन की फैमिली लेनी है हमने. जब हमने दो चिल्ड्रन की फैमिली लेनी है तो हमारे पास बॉय गर्ल भी हो सकता है. पहले अगर हम पहला वाला जो है वो उसको एल्डर मानते हैं तो बॉय गर्ल हो जाएगा. अगर इधर ऐसे भी हो सकता है कि गर्ल एल्डर हो जाए, बॉय यंगर हो जाए, या दोनों गर्ल्स आ जाए. तो ये आपकी टोटल आउटकम्स बन गई हुई हैं. तो सेकंड केस में उसने पूछा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली. तो सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स ही बतानी है इसमें, हमने सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है. तो यहां पे ये वाला केस देख लो, नंबर ऑफ गर्ल्स यहां पे कोई नहीं है गर्ल, तो जीरो बन जाएगा. यहां पे दोनों केसेस में वन वन गर्ल है तो वन आ जाएगा, क्योंकि नंबर बताना है, काउंटिंग बतानी है. यहां पे दोनों ही गर्ल्स हैं तो टू आ जाएगा. इस तरह से हमने ये अपनी सैंपल स्पेस कंप्लीट कर ली है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ. अ बॉक्स कंटेन वन रेड एंड थ्री आइडेंटिकल व्हाइट. हमारे पास एक बॉक्स में एक रेड बॉल है, एक रेड है, और तीन जो है वो व्हाइट तो हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल मीन्स उनको डिफरेंट नाम नहीं देंगे, मीन्स डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री नहीं देंगे, हमारे लिए वो डब्ल्यू ही रहेंगी. आगे बोल रहा है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन
विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास टोटल बॉल्स 4 थी, ठीक है जी, आपने एक बॉल निकाली तो आपकी प्रोबेबिलिटी, मान लो आपने रेड बॉल निकाली, एक रेड है और 3 व्हाइट है, आपने एक रेड निकाली, प्रोबेबिलिटी रेड की क्या आई, 1/4। नेक्स्ट टाइम वो बोल रहा है कि आपको रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, मतलब जो बॉल निकाली है वो वापस नहीं डालनी है, जैसे रेड निकाल के बाहर रख लिया आपने, अब तो बैग में रेड है ही नहीं, तो अगर अगली बार रेड पूछेगा तो रेड की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास मतलब होता है कि हम रिप्लेस नहीं कर रहे, वापस नहीं डाल रहे। लेकिन अगर वो लिखता है कि रिप्लेसमेंट है, तो अगर पहली बार रेड की 1/4 थी तो अगली बार भी प्रोबेबिलिटी 4 बॉल्स में से ही निकाली जाएगी। इस तरह से ये रिप्लेसमेंट या नॉन रिप्लेसमेंट का मतलब होता है। हमें बोला गया है क्वेश्चन में, अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस नहीं डालनी है, तो हमें सैंपल स्पेस का एक्सपेरिमेंट बताना है। तो जब हमने वापस नहीं डाली है तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी, रेड व्हाइट बन सकती है, अगर हमने पहले रेड निकाल ली है तो फिर बाद में व्हाइट निकाल सकते हैं, या पहले हमने अगर व्हाइट निकाली है तो दूसरी बार रेड हो सकती है, अगर हमने, या ऐसे हो सकता है कि पहली बार व्हाइट निकाली है दूसरी बार भी व्हाइट आ जाए, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं थी। अगर रिप्लेसमेंट होती तो आर आर भी आ सकता था, क्योंकि जो हमने डाल दिया है वो वापस फिर निकाल सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने वापस बॉल नहीं डाली है, 3 आउटकम्स आएंगी। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10th, उसकी स्टेटमेंट क्या है वो भी आपके लिए पढ़ता हूं मैं अभी। उसमें हमें बोला गया है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर्स, मतलब हमने एक कॉइन फेंकना है, अगर हेड आता है तो फिर आपने दोबारा से क्या करना है कि फिर कॉइन फेंकना है, लेकिन अगर हेड नहीं आता है, टेल आता है, तो फिर आपने डाइस फेंकना है। सैंपल स्पेस बिल्कुल सिंपल। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th में, कि हमने एक सैंपल स्पेस बनानी है, अगर आपका हेड आता है तो आप दोबारा से कॉइन फेंको, अगर हेड आता है तो दोबारा से अगर हम कॉइन फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो फिर हेड आ जाएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन उसने बोला है कि अगर टेल आता है तो फिर आप डाइस फेंको, डाइस का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये हमारी टोटल आउटकम्स बनेंगी। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट, हमारे पास 3 बल्ब हमने सिलेक्ट करने एक लॉट में से, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, हमारे पास कुछ उसमें डिफेक्टिव भी है कुछ नॉन डिफेक्टिव भी है, तो हमने उसकी सैंपल स्पेस निकालनी है, 3 बल्ब हमने लॉट में से निकालने हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे 3 कॉइन की सैंपल स्पेस निकाली थी हमने, क्या थी बनी हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह से हेड एंड टेल है, यहां पे डिफेक्टिव है नॉन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव को हम डी से डिनोट कर लेते हैं और नॉन डिफेक्टिव को हम एन से, पहले हमने तीनों डिफेक्टिव ले लिए बिल्कुल जैसे तीनों हेड लिए थे, अब डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, आगे आगे नॉन डिफेक्टिव को शिफ्ट करते जाएंगे, डी एन डी, फिर शुरू में एन डी डी, ये बन गया हमारे पास। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 एन ले लेंगे, अब हम डी शिफ्ट करते जाएंगे एन डी एन, फिर लास्ट में एन एन डी, और लास्ट में तीनों ही नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने 3 कॉइन की सैंपल स्पेस लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, इसमें क्या हमारे पास, इसमें हमें गिवन है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज हेड अ डाई इज थ्रोन, हमने एक कॉइन फेंका है, कहता अगर हेड आता है तो डाइस फेंक दो, अगर हेड आता है तो आप डाइस फेंक दो, तो ये देखिए कैसे बनेगा, अगर हेड आता है तो डाइस फेंको, H1 H2 H3 H4 H5 H6, अगर हेड आता है तो। आगे क्या बोला गया, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज हेड अ डाई इज थ्रोन, खत्म हो गई यहां तक बात। आगे इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन, आगे हमें बोला गया है कि अगर आपका इवन नंबर आता है तो फिर इवन कौन कौन से, इसमें 2, 4 और 6 इस केस में, तो फिर आपने दोबारा से क्या करना है, डाइस फेंकना है अगर इवन आता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, H2 1 H2 2, पूरी लाइन आ जाएगी हमारे पास, इवन आता है तो H2 1 H2 2 H2 3 H2 4, इस तरह से हम लिखते जाएंगे H2 3 H2 4 H2 5
H2 6, फिर इवन और कौन सा था, 4 वाला जैसे मैंने बोला H4 1, H4 2, H4 3, H4 4, H4 5, H4 6, फिर हम 6 वाली लाइन लिखेंगे H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5, H6 6, और यह अगर हेड ना आया होता शुरू में तो शुरू में टेल भी आ सकता था। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स बन गई हुई हैं। क्या बोला था उसने, दोबारा से एक बार हम कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या बोला है 12th क्वेश्चन में, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ आउटकम इज हेड, जैसे यहां पे हेड आई है, इफ आउटकम इज हेड अ डाई इज थ्रोन, हमने डाइस फेंका है, इफ द आउटकम इज हेड डाइस फेंक दिया हमने। इसके बाद बोला इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर द डाई इज अ डाई इज थ्रोन अगेन, सिर्फ इवन नंबर वाले केस में डाइस दोबारा से फेंकनी है और किसी की केस में हमने दोबारा से नहीं फेंकनी हमने डाइस अपनी। तो हमारे पास आउटकम्स बन गई हैं, एक बार H1, H3 बन चुकी हुई हमारे पास, H5 बन चुकी हुई है, और इस तरह से जो इवन वाले केसेस हैं, ये वाला केस, ये वाला H2, H4, H6, तो इस केस में हमने दोबारा से डाइस फेंक दी हुई है यहां पे H21, H22, H23, ये सारी हमारे पास आउटकम्स और लास्ट में टेल। ये जो हमने H2 और H4 और H6 लिखा है, इसको आपको दोबारा लिखने की सैंपल स्पेस में जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस के लिए हमने ये केसेस लिख दिए हुए हैं, क्योंकि H21 उसने बोला था तो यहां पे आ चुका हुआ है। इन 3 केसेस को अगर आप बीच में से ओमिट भी कर दोगे तो हमारी सैंपल स्पेस सही बनेगी। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या है वो भी हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फिर हमारे पास 2 क्वेश्चन 3 और बचेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। ये सिर्फ सैंपल स्पेस से पे बेस्ड है, इसमें हमने कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे लिए क्या है, हमें बोला गया है द नंबर 1, 2, 3 and 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ ए पेपर, द स्लिप आर पुट इन द बॉक्स एंड मिक्स थॉरली, अ पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स 1 आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि जो हमने निकाली है उसको वापस नहीं डालना है, तो आपने सैंपल स्पेस बतानी है। तो क्या बनेगी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो हमने निकाली है वो वापस नहीं डालनी है, इसका मतलब सेम नंबर वाली वापस नहीं आएगी, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये नहीं आएंगी, बाकी सब आ जाएंगी 1, 2, 1, 3, 1, 4। इसी तरह से 2, 1, 2, 2 नहीं आएगा, क्योंकि सेम नंबर वाली नहीं आनी, वो वापस ही नहीं डाला हमने, 2, 3, 2, 4। फिर 3 वाली डालेंगे 3, 1, 3, 2, 3, 4, फिर लास्ट में 4 वाली, क्योंकि 4 स्लिप्स हैं, 4, 1, 4, 2 and 4, 3। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आ जाएंगी। इस तरह से हमने ये अपनी सैंपल स्पेस कंप्लीट कर ली हुई है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वो भी स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ता हूं मैं, फिर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर तो डाई पे नंबर इवन आता है फिर हमें क्या करना है, और अगर ऑड आता है फिर हमें क्या करना है। हमें बोला है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर डाइस के ऊपर इवन आता है तो आपने कॉइन रोल करना है। तो कॉइन रोल करेंगे तो क्या आएगा उसके ऊपर, या तो हेड आएगा या हमारे लिए टेल आएगा, अगर इवन नंबर आता है तो। अगर इवन नंबर आता है 2 आ गया, हेड आएगा या टेल आएगा, 4 आ गया या हेड आएगा या टेल आएगा, 6 आ गया या हेड आएगा या टेल आएगा, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बोला है इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, और अगर ऑड आता है फिर आपने क्या करना है, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर ऑड आता है तो कॉइन 2 बार फेंकेंगे, ऑड मतलब 1, 2 बार फेंका तो 2 बार वाली सैंपल स्पेस लिखेंगे HH, HT, TH एंड TT, ये ऑड के लिए लिखनी, जैसे 1 के लिए लिखी है ऐसे 3 के लिए भी लिख देंगे 3HH, 3HT, 3TH, 3TT, इसी तरह से 5 के लिए लिखेंगे 5HH, 5HT, 5TH एंड 5TT, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स बन जाएंगी इसकी, जो उसने बोला था। क्या बोला था एक बार रिपीट करता हूं कि अगर इवन नंबर आता है तो आपने क्या करना है, कॉइन फेंकना है, कॉइन पे हेड टेल आएगा, हेड टेल आएगा 4, 2 एंड 6 के लिए, लेकिन अगर ऑड आते हैं तो 2 बार कॉइन फेंकेंगे।
ओके क्लियर हो रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शो अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कॉन्टेन 2 red and 3 black balls. तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स. बॉक्स कैसा है हमारे पास? बॉक्स में हमारे पास 2 red and 3 black balls हैं. हमें बोला गया है क्वेश्चन में, कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शो अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम ए बॉक्स. अगर टेल आता है तो बॉक्स में से बॉल निकालेंगे टेल आने पे. तो टेल रेड वन, टेल रेड टू, टेल बी वन, टेल बी टू एंड टेल बी थ्री. ये हमने बॉल्स के नाम लिख दिए. इसके बाद क्या बोला था? इसके बाद बोला है, इफ इट शो अ हेड वी थ्रो अ डाई. लेकिन अगर हेड आता है तो डाई फेंको. तो हेड आने पे डाई एच वन, एच टू, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव एंड एच सिक्स. तो ये हमारे लिए टोटल आउटकम्स बन जाएंगी जो हमने इस क्वेश्चन में करनी थी. अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? हमें बोला गया, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ सिक्स कम्स अप. हमने तब तक डाइस अपने फेंकते रहने हैं जब तक सिक्स आ रहा है. व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? या जब तक सिक्स नहीं आता तब तक हमने फेंकते जाना है. अगर जब भी सिक्स आपका आ जाए तभी आपने अपने डाइस फेंकनी बंद कर देनी है. तो हमारे पास इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? जैसे हमारा पहली बार में ही सिक्स आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बंद हो गया. लेकिन अगर पहली बार में सिक्स नहीं आ रहा तो फिर हम दोबारा फेंकेंगे. ऐसे 1-6 भी हो सकता है. सिमिलरली 2-6 होगा, सिमिलरली 3-6 होगा, सिमिलरली 4-6, 5-6, 6-6 तो आ नहीं सकता क्योंकि पहले नंबर पे 6 नहीं होगा. तो ये हो गया हमारे लिए. लेकिन अगर मान लो दो डाइस की बात नहीं, 3 पे भी पहुंच जाएंगे. पहली बार भी नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में आया, फिर 1-2-6, 1-3-6, 1-4-6, 1-5-6 एंड ये हो गया हमारे लिए. फिर इसी तरह से 2 वाली लाइन भी ले सकते हैं, 2-1-6, 2-2-6, 2-3-6, 2-4-6, 2-5-6. इस तरह से ये हमारा एक्सपेरिमेंट चलता जाएगा. जब तक हमारा 6 नहीं आता हम अपनी गेम बंद नहीं कर सकते. इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स. तो इस तरह से आप मेरे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं और भी वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड देता रहूं. ओके स्टूडेंट्स, बाय.